हेलो एंड वेलकम टू सिंपल स्टाइल कुकिंग। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी के हलवे की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सो लेट्स बिगिन। सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करके एक पैन चढ़ाएंगे, फ्लेम लो पर रखेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे आधा कप सूजी। यहाँ पर मैंने फाइन सूजी का इस्तेमाल किया है, आपके पास जो सूजी अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे, यानी कि बिना घी के इसे हम अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। इसे हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक इसमें से भीनी भीनी खुशबू ना आने लगे और इसका जो कलर है वो स्लाइटली चेंज ना हो जाए। भूरा नहीं करना है, बस हल्का सा इसका कलर जो है वो चेंज होना चाहिए। सूजी को हमें तब तक भुनना है जब तक इसमें से जितना मॉइस्चर है जो है वो रिड्यूस ना हो जाए और हमारा जो सूजी है वो बिल्कुल दानेदार हो जाए, यानी कि एकदम अलग अलग दिखने लगे। उतना दूर तक हमें इसे भुनना है। तो इसे भुनने में आपको लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगेगा, उससे ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। तो यहाँ पर लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं और हमारा जो सूजी है वो भुनकर तैयार है। गैस कर लेंगे बंद और इसे हम इमीडिएटली एक प्लेट पर ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। अगर आप इसे पैन में ही छोड़ दोगे तो इसका कलर जो है वो हल्का सा भूरा हो जाएगा। तो इसे प्लेट पर निकाल कर अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। और अब हम ले लेंगे एक बर्तन और उसमें हम ऐड कर देंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1.5 कप दूध। इस दूध को मैंने पहले से बॉईल करके ठंडा करके ले लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चीनी। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप चीनी। चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और यहीं पर हम ऐड कर देंगे इलायची पाउडर 1/4 चम्मच। गैस कर लेंगे ऑन और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक हमारी जो चीनी है वो प्रॉपर तरीके से दूध में डिजॉल्व ना हो जाए। तो यहाँ पर हमारा जो चीनी है वो मिक्स हो गया है, आप देख सकते हो इसमें एक भी कण चीनी का दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये मिक्स हो गया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी घी। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप घी। तो एक बार में पूरा घी नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा घी इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच घी। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी ऐड कर दिया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारा भुना हुआ सूजी जो हमने भुन कर रखा था वो इसमें इस तरीके से ऐड कर देंगे। और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही घी जो है वो अच्छी तरीके से इसमें डिजॉल्व हो जाएगा उसके बाद वापस से हम इसमें 2 चम्मच घी और ऐड करेंगे और इसे हम फिर से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बेसिकली हमें करना क्या है कि इसमें 2 चम्मच घी ऐड करना है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जैसे ही दूध और सूजी में घी अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगी उसके बाद वापस से हम 2 चम्मच घी ऐड करेंगे और इसे वापस से मिक्स करेंगे। इसमें हमें घी तब तक ऐड करना है जब तक हमारा जो 1/2 कप घी है वो पूरी तरीके से सूजी में और दूध में डिजॉल्व ना हो जाए। अच्छे तरीके से घी को इसमें मिक्स कर लेना है। हलवा रोज रोज तो बनता है नहीं, कभी कभी बनता है, तो इसीलिए घी जो है अच्छी तरीके से ऐड करें, उसे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। पर अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो घी की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। इस रेसिपी की खास बात यही है कि आप घी की क्वांटिटी इसमें कम कर सकते हैं। तो आप इसमें 1/4 घी भी ऐड कर सकते हैं या नहीं तो 2 चम्मच घी भी ऐड करके इसे बना सकते हैं। बहुत ही यूनिक और डिलिशियस ये हलवा की रेसिपी है। एक बार आप इस हलवा की रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा, फैन हो जाएंगे आप इस हलवा के, बहुत ज्यादा टेस्टी ये हलवा बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए हमारा जो हलवा है वो काफी ज्यादा गाढ़ा होने लगा है, आप देख सकते हो। और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से सूजी जो है हमारा फूल गया है। बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम में हम हलवा को लगातार चलाते हुए मिक्स करते रहेंगे और बीच बीच में इस तरीके से घी भी ऐड करेंगे। तो बीच बीच में इस तरीके से 2-2 चम्मच घी ऐड करें और आप इसे मिक्स करें। तो यहाँ पर हमारा जो हलवा है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो यहाँ पर मैं ये पूरा का पूरा जो घी है वो इसमें ऐड कर लेती हूँ और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो हलवा है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी सारे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 4 से 5 बारीक कटे हुए काजू, 4 से 5 बारीक कटा हुआ बादाम, 10 से 12 बारीक कटा हुआ पिस्ता। ड्राई फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को घी में हल्का सा फ्राई करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ड्राई फ्रूट्स है वो हमारे हलवे में अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है।
तो यहाँ पर हमारा जो हलवा है वो काफी ज्यादा गाढ़ा हो गया है, इससे ज्यादा हम इसे कुक नहीं करेंगे, गैस कर लेंगे बंद और इसे हम हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारे हलवा का टेक्सचर कितना ज्यादा जबरदस्त आया है ना, इसे मैं बिल्कुल नजदीक से दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा जो हलवा का टेक्सचर है वो कितना ज्यादा अच्छा आया है, बहुत ही टेस्टी डिलिशियस और माउथ वाटरिंग हलवा हमारा बनकर तैयार हुआ है। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।